Hello everyone, this presentation is for class 1, subject English Reader. Today's topic is question answered and book exercise of lesson 2, Tracy's Shoe. Aaj hum Tracy's Shoe lesson ka question answer aur book exercise karenge. We will learn the question answer and book exercise of lesson 2, Tracy's Shoe means Tracy ka Joota. इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने इस लेसन को रीड कर लिया था, इसके वर्ड मीनिंग और न्यू वर्ड्स भी कर लिए थे, और आज वाले लेक्चर में वी विल डू क्वेश्चन आंसर एंड बुक एक्सरसाइज. सो दिस इज लेक्चर नंबर 3. लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर 3 ऑफ लेसन 2, ट्रेसीज शू. लेसन 2, ट्रेसी शू, क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर. पहले हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे. Then we will do book exercise. So the first question is, what? W-H-A-T, what did Tracy and Ted play? First question is, I told you earlier that question answer is not given in the book. Question answer book mein nahi diye huye hai. ये क्वेश्चन आंसर मैंने अपनी तरफ से लिए हैं. दीज आर 3 क्वेश्चन आंसर्स. सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट. डब्ल्यू एच ए टी व्हाट. व्हाट डिड. डी आई डी डिड. व्हाट डिड ट्रेसी. टी आर ए सी वाई ट्रेसी. एंड ए एन डी एंड टेड. टी ए डी टेड. प्ले. पी एल ए वाई प्ले. व्हाट डिड ट्रेसी एंड Ted play. What did Tracy and Ted play? Tracy और Ted ने क्या खेला? वो कौन सा गेम खेल रहे थे? We read the lesson. हमने lesson पढ़ लिया है. तो उस lesson में Tracy और Ted कौन सा गेम खेल रहे थे? So the answer is Tracy and Ted played hide and seek. Tracy and Ted played hide and seek. वो कौन सा गेम खेल रहे थे? वो hide and seek खेल रहे थे. छुपने और ढूंढने वाला गेम. They were playing this game. Tracy and Ted played hide and seek. Now let's see question number 2. Question number 2 is, who mends the Tracy's shoe? W-H-O, who? W-H-O, who means कौन? W-H-O, who means कौन? Who mends, M-E-N-D-S, mends the T-H-E, the T-R-A-C-Y, Tracy's shoe. S-H-O-E, shoe. Who mends the Tracy's shoe? Tracy के जूते को कौन ठीक करता है? So the answer is Cobbler, C-O-B-B-L-E-R, Cobbler mends the Tracy's shoe. Cobbler mends the Tracy's shoe. Cobbler Tracy के जूते को ठीक करता है. कौन ठीक करता है? Cobbler ठीक करता है. Now let's see question 3. Question 3 is, W-H-O, who is, I-S is lucky. L-U-C-K-Y, lucky. Who is lucky? इस लेसन में हमने पढ़ा था, there were 4 friends. 4 दोस्त थे, Tracy, Ted, Shammer and Lucky. These were the 4 friends. ये चारों दोस्त थे, तो उसमें से Lucky कौन थी? So the answer is, Lucky is a cow. Lucky कौन है? Lucky एक गाय है. Who is lucky? Lucky is a cow. Lucky एक गाय है. Now let's repeat again. Question number 1 is, what did W-H-A-T, what D-I-D did? What did Tracy and Ted play? Tracy or Ted, kya khela unhone? Tracy and Ted played hide and seek. Tracy or Ted ne hide and seek khela. Question 2 is, who mends the Tracy's shoe? ट्रेसी के जूते को कौन ठीक करता है? कॉबलर मेंड्स द ट्रेसीज शू.
कॉबलर ट्रेसी के जूते को ठीक करता है। क्वेश्चन इज हु इज लकी, लकी कौन है? आंसर इज लकी इज अ काउ। सो दीज आर द थ्री क्वेश्चन आंसर विच आई हैव टेकन फ्रॉम माय साइड। ये बुक में गिवन नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से लिए हैं, दैट यू हैव टू लर्न। इन द नोटबुक यू विल मेक फॉर्मेट लाइक दिस, ऐसे अपनी नोटबुक में इस तरह से फॉर्मेट बना के, एंड देन यू विल डू दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो, दैट यू हैव टू लर्न एंड राइट द क्वेश्चन आंसर इन नोटबुक। क्वेश्चन आंसर को लर्न करेंगे और लिखेंगे अपनी कॉपी में, और जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है यू हैव टू मेक फॉर्मेट लाइक दिस। डेट यू विल पुट डेट, डे, क्लास वर्क, होमवर्क, लेसन टू, नेम ऑफ द लेसन, दिस इज लेसन टू, एंड द नेम ऑफ द लेसन इज ट्रेसीज शू, लेसन का नाम है ट्रेसीज शू मीन्स ट्रेसी का जूता। दिस इज क्वेश्चन आंसर। सो यू विल डू द वर्क लाइक दिस इन द नोटबुक इन वेरी ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग। एज यू कैन सी मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, तो इन द नोटबुक ऑल्सो यू विल राइट एग्जैक्टली लाइक दिस इन अ वेरी ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग। सो दीज आर द थ्री क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू एंड क्वेश्चन थ्री। नाउ लेट्स सी द बुक एक्सरसाइज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज वन इज थिंक, टी एच आई एन के थिंक, एंड टिक, टी आई सी के टिक, थिंक एंड टिक द करेक्ट आंसर। थिंक मीन्स सोचो, थिंक मीन्स सोचो, थिंक एंड टिक द करेक्ट आंसर, सोचो और सही आंसर पे टिक लगाओ। सो द क्वेश्चन इज फर्स्ट नंबर इज बाय बी वाई बाय व्हाट टाइम डज ट्रेसी हैव टू रीच होम। By what time does Tracy have to reach home? Tracy को किस समय तक घर पहुंचना होता है? So the options are 2 o'clock, half past 2, quarter to 2, quarter past 2. So let's repeat the question again. By what time does Tracy have to reach home? Tracy को कितने बजे तक घर पहुंचना होता है? So the options are 2 o'clock, 2 o'clock means 2 बजे, half past 2 means 2:30 बजे, 2:30, quarter to 2 means 1:45 means जब 2 बजने में 15 मिनट रहते हैं। Next one is D, quarter past 2, quarter past 2 means 2:15, 2:15। तो ट्रेसी को कितने बजे घर पहुंचना होता है? थिंक अबाउट द आंसर एंड टिल देन आई विल रीड क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू इज हाउ मेनी फ्रेंड्स गो टू द बार्बर। बार्बर के पास कितने दोस्त जाते हैं? वन जाते हैं, टू जाते हैं, लेट्स सी द ऑप्शंस। बार्बर के पास कितने दोस्त जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज टू, सेकेंड इज थ्री, नेक्स्ट वन इज फोर, नेक्स्ट वन इज सिक्स। सो दीज आर द ऑप्शंस। नाउ वी विल सी इट्स आंसर। सो फर्स्ट इज बाय व्हाट टाइम डज ट्रेसी हैव टू रीच होम। ट्रेसी को कितने बजे तक घर पहुंचना है? इट इज हाफ पास्ट टू मीन्स 2:30 बजे तक, 2:30 बजे तक उसे घर पहुंचना होता है। सेकेंड इज हाउ मेनी फ्रेंड्स गो टू द बार्बर। बार्बर के पास कितने दोस्त जाते हैं? बार्बर के पास 3 फ्रेंड्स जाते हैं। ट्रेसी जाता है, टेड जाता है और शैमर जाते हैं। ये तीनों फ्रेंड्स बार्बर के पास ट्रेसी का जूता ठीक करवाने के लिए जाते हैं। नाउ द थर्ड वन इज व्हाट डज अ बार्बर यूज टू कट हेयर। व्हाट डज अ बार्बर Use to cut hair. Barber बाल को काटने के लिए क्या यूज करता है? First one is needle. Second option is knife. The next is scissors or comb. Barber बाल को काटने के लिए क्या यूज करता है? Needle, needle means सुई. Knife, knife means चाकू,
scissors means कैंची, कॉम्ब मीन्स कंघी, बार बार कॉम्ब का भी यूज करता है। बट वॉट इज आस्ड हियर, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बार बार बाल को काटने के लिए क्या यूज करता है। सो थिंक अबाउट द आंसर एंड वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर फोर्थ इज हाउ मेनी फ्रेंड्स गो टू द टेलर, टेलर के पास कितने दोस्त जाते हैं। सो द ऑप्शंस आर 2, 3, 4, 6। लेट्स सी द आंसर। सो व्हाट डज अ बार्बर यूज टू कट हेयर, सीजर्स। बार्बर बाल को काटने के लिए कैंची का यूज करता है। फोर्थ वन इज हाउ मेनी फ्रेंड्स गो टू द टेलर, टेलर के पास कितने दोस्त जाते हैं। टेलर के पास 4 फ्रेंड जाते हैं। इस लेसन में हमने पढ़ा था 4 फ्रेंड्स होते हैं, ट्रेसी, टेड, शैमर और लकी। ये चारों फ्रेंड्स जो है वो टेलर के पास जाते हैं। सो दीज आर द आंसर्स। नेक्स्ट सी द लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द नेम्स ऑफ द फ्रेंडली हेल्पर्स विद ई आर और ओ आर। यहाँ पे कुछ नेम्स दिए हैं, उसके पीछे हमें ई आर लगाना है और ओ आर लगाना है। अब हम ये देखेंगे कि किसके नाम के पीछे ई आर आएगा और किसके नाम के पीछे ओ आर आएगा। लेट्स सी द आंसर्स। फर्स्ट वन इज गार्डन, तो इसके पीछे हमने लगाया गार्डनर, गार्डनर, ई आर, गार्डनर। गार्डनर कौन होते हैं? जो फूलों की देखभाल करते हैं, जो फूल उगाते हैं, दैट आर कॉल्ड गार्डनर। सेकेंड वन इज फार्मर, इसमें भी हमने क्या यूज किया? ई आर, फार्मर। फार्मर कौन होते हैं? जो खेती करते हैं। थर्ड वन इज टेलर, यहाँ पे हमने ओ आर का यूज किया है, टेलर। टेलर कौन होते हैं? जो कपड़े सिलते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉबलर, COBBLER, हमने यहाँ पे ER लगाया है, कॉबलर। कॉबलर कौन होते हैं? मोची, जो जूते सिलते हैं। फिफ्थ वन इज स्वीपर, SWEEPER, स्वीपर। यहाँ पे भी हमने ER का यूज किया है, स्वीपर। स्वीपर कौन होते हैं? जो साफ सफाई करते हैं। सिक्स्थ वन इज टीचर, TEACHER, टीचर। टीचर कौन होते हैं? जो पढ़ाते हैं। जैसे कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, जो पढ़ाते हैं, दैट आर कॉल्ड टीचर। तो टीचर में हमने ई आर लगाया। नेक्स्ट वन इज ड्राइवर, DRIVER, ड्राइवर। एट्थ वन इज डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। ड्राइवर कौन होते हैं? जो गाड़ी चलाते हैं। डॉक्टर कौन होते हैं? जो बीमार लोगों का इलाज करते हैं। नाइन्थ वन इज एक्टर, एक्टर कौन होते हैं? जो एक्टिंग करते हैं, जो फिल्मों में काम करते हैं, सीरियल्स में काम करते हैं, दैट आर एक्टर। सो लेट्स सी अगेन, फर्स्ट वन इज गार्डनर, सेकंड वन इज फार्मर, थर्ड वन इज टेलर, फोर्थ वन इज कॉबलर, फिफ्थ इज स्वीपर, सिक्स्थ वन इज टीचर, सेवेंथ वन इज ड्राइवर, एट्थ वन इज डॉक्टर, नाइन्थ वन इज एक्टर। सो दीज आर द आंसर्स। टेंथ वन इज कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द वर्ड्स दैट राइम। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज द व्हाट आर राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं विच प्रोड्यूस द सेम साउंड। सेम साउंड वर्ड्स आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स, जिनको बोलते समय एक जैसी आवाज निकले, जैसे कि कैट, बैट, रैट, सैट, हैट। जैसे कि मैंने ये वर्ड्स बोले, सबको बोलते समय एक जैसी ही साउंड आ रही है। पिन, टिन, अगेन यू विल सी द साउंड, पिन, टिन, सेम साउंड इज कमिंग। सो दैट टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स, जिसको बोलते समय एक जैसी साउंड आए, दैट आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। सो हियर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मैच द वर्ड्स दैट राइम। यहाँ पे हमें उन वर्ड्स को मैच करना है जिनको बोलते समय सेम साउंड आ रही है। लेट्स सी
So these are the questions. Let's read the word first. In the first column, it is go. New, N-E-W, new. Third one is broom, B-R-O-O-M, broom. Fourth one is quick, Q-U-I-C-K, quick. Fifth one is dog. Let's read the column B. A is shoe, S-H-O-E, shoe. B is slow, S-L-O-W, slow. C is pill, P-I-L-L, pill. D is fog, F-O-G, fog. E is sick, S-I-C-K, sick. So these are the two columns, and now we have to match the words that are rhyming. So the let's read the first one. First one is go. अब हम इन सेकेंड कॉलम में ये देखेंगे कि अब इसके जैसा साउंड किस वर्ड में आ रहा है. दिस इज वर्ड गो. सो लेट्स रीड शू. क्या साउंड मैच कर रहे हैं? नो. गो स्लो, इज इट मैचिंग और नॉट? नेक्स्ट सी इज गो पिल. क्या इसका साउंड मैच कर रहा है? गो फॉग. क्या इसका मैच कर रहा है? गो सिक. क्या इसका साउंड मैच कर रहा है? नो. So it is matching with slow. Go slow. Go slow. So we will match go with slow. Next one is new. N-E-W, new. Now we will see ki iska sound kiske saath match kar raha hai. Let's see. New shoe, new pill, new fog, न्यू सिक, न्यू रूम. तो इसका साउंड किसके साथ मैच कर रहा है? न्यू शू. नेक्स्ट वन इज ब्रूम. अब ब्रूम का देखेंगे हम. ब्रूम का क्या किसके साथ मैच कर रहा है? ब्रूम पिल, नो. ब्रूम फॉग, नो. ब्रूम सिक, नो. ब्रूम रूम, इज इट मैचिंग? ब्रूम और रूम, यस इट इज मैचिंग. वी विल मैच ब्रूम room, room with room. Let's see the next one. Next one is quick. अब quick का किसके साथ match कर रहा है? Quick pill नहीं match कर रहा, it is not matching. Quick fog, no. Quick sick, sorry, quick sick. Quick sick, क्या ये match कर रहा है? Yes, it is matching. So we will match quick with. Next one is dog. अब हमारे पास दो words बच गए. क्या डॉग पिल मैच कर रहा है? नो. डॉग फॉग मैच कर रहा है? हाँ, इन दोनों के साउंड मैच कर रहे हैं. डॉग फॉग, डॉग फॉग. सो वी विल मैच डॉग विद फॉग. नेक्स्ट वन इज इल. अब एक ही बच गया है. इल पिल, इल पिल. सो देयर साउंड्स आर मैचिंग. सो वी विल मैच इल विद पिल. लेट्स रिपीट अगेन. गो स्लो, न्यू शू, ब्रूम room, quick sick, dog fog, ill. So these are the answers. So your homework is learn and write question answers in English notebook. मैंने अभी हमने question answer discuss किया था and I showed you the format also. मैंने format भी दिखाया है कि notebook में कैसे काम करना है. So in this way you will make the format in your English notebook and you will do the work in very beautiful handwriting. बहुत ही सुंदर सुंदर writing में अपना काम करेंगे. This is your homework. Thank you and have a nice day. You must have enjoyed watching this video.